बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एजुकेशन वर्सेस स्किल या डिग्री वर्सेस स्किल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमारी यूथ बहुत ज़्यादा डिबेट कर रही है। मतलब यूथ कह रही है जी कि एजुकेशन से कुछ भी नहीं होता, यू नीड टू हैव स्किल। जब पैसे कमाने की बात आती है तो जो स्किल जो है ना वो ज़रूरी है, स्किल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन जो है ना, डिग्री जो है ना, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर और वो कुछ भी ऐड नहीं करती। अच्छा, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। जब आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, किसी MNC के लिए अप्लाई करते हो, लेट्स से नेस्ले के लिए अप्लाई करते हो या PNG के लिए अप्लाई करते हो, तो उनके रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया में पता क्या चीज़ लिखी होती है कि यू नीड टू हैव एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री, 4 साल यूनिवर्सिटी डिग्री या आपके मास्टर्स डिग्री हो, 16 ईयर्स या 18 ईयर्स एजुकेशन वो मांगते हैं। उसके बाद वो आपकी स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना, ठीक है, तो जो 10वीं पास लोग हैं या जो 12वीं पास लोग हैं उनके लिए उनकी क्लरिकल जॉब्स होती हैं, ठीक है, या सिंपल आपकी स्टाफ जॉब्स होती हैं, माली भर्ती कर रहे हैं, ड्राइवर भर्ती कर रहे हैं, क्लर्क भर्ती कर रहे हैं, अकाउंटेंट भर्ती कर रहे हैं, इस तरह की जॉब है। लेकिन अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, कोई एडिशनल डायरेक्टर की जॉब है या किसी मैनेजर की जॉब है, किसी असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपका बैचलर्स 16 ईयर एजुकेशन या आपका मास्टर्स या इवन PhD उन्होंने मैंडेटरी की हुई है कि ये आपके पास अगर है तो फिर हम आपका स्किल सेट भी देखेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी देखेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मजदूर, उसके पास स्किल है, ठीक है, एक मजदूर के पास स्किल है, एक ड्राइवर के पास स्किल है, एक जमादार के पास स्किल है, एक माली के पास स्किल है, लेकिन वो बेचारा कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है। एक मजदूर की एग्जांपल लीजिए, वो बेचारा ईंटें उठा के इधर जा रहा है, बजरी का काम कर रहा है, रेत का काम कर रहा है, माली पौधों को पानी लगा रहा है, इतनी धूप में भी लगा रहा है पानी, कितनी मेहनत कर रहा है, जमादार आपका कूड़ा साफ कर रहा है, ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। देखें, स्किल तो उनके पास है, पैसा तो वो कमा रहे हैं, लेकिन वो मुश्किल से और एक मुश्किल मराहल से गुजर के पैसा कमा रहे हैं। स्किल इज देयर, लेकिन अब जिसके पास एजुकेशन है, कुछ 4 ईयर्स, किसी के पास CS की डिग्री है, BBA की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री, कुछ भी है, वो सुकून से बैठा ऑफिस में AC के नीचे, फैन के नीचे पैसे कमा रहा है। पैसे दोनों कमा रहे हैं, एक सुकून से पैसे कमा रहा है, एक बेचारा मुश्किल से पैसे कमा रहा है, एक अपने आप को जिंदगी को मुश्किल में डाल के पैसे कमा रहा है, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। जिसके पास डिग्री है वो आराम से रिलैक्स होकर चिल AC के नीचे बैठा काम कर रहा है, ठीक है। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब हम अगर बात करें जी रिश्ते के लिहाज से, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिश्ते। देखें, आप 10वीं पास है कोई मैटर नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पैसा लाखों कमा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत कुछ लोग हैं जो ये, मतलब बहुत कम लोग हैं जो ये कहेंगे कि हाँ भाई हमें इस तरह का पसंद है लड़का, लेकिन मेजोरिटी लोग जो लड़की वाले वो क्या कहते हैं, यार एटलीस्ट लड़का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, पैसे बेशक कम कमा रहा हो लेकिन पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन से आपका सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं है, आपकी सोसाइटी में एक वर्थ बनती है। लोग कहते हैं यार ये एजुकेटेड बंदा है, समझ आ रहा है, हम इससे कुछ पूछ सकते हैं, लोग आपको रिप्यूटेबल बंदा समझते हैं, हम किसी मजदूर से मशवरा क्यों नहीं ले लेते, हम किसी जमादार से मशवरा क्यों नहीं ले लेते, हम किसी ड्राइवर से मशवरा क्यों नहीं लेते, हम क्यों कहते किसी पढ़े लिखे बंदे से मशवरा हम लेना चाहते हैं। टीचर्स जो आपके स्कूल में टीचर हैं वो पढ़े लिखे क्यों हैं, हम अनपढ़ लोगों को भर्ती क्यों नहीं कर रहे थे, स्किल सेट तो उनके पास भी है, टीचर्स क्यों हैं, जो इंस्टीट्यूट्स बन रहे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स पढ़े लिखे हैं सारे, कोई अनपढ़ ट्रेनर नहीं मैंने आज तक देखा, ठीक है, हार्डली कोई एक बंदा होगा जो कोई अनपढ़ होगा, अनपढ़ से हमारा 9वीं 10वीं की होगी या 11वीं 12वीं की होगी और वो पैसे बहुत कमा रहा है, वो उसकी एक स्पेशलिटी है, वो एक लाखों में एक है भाई, ठीक है। और ट्रस्ट मी, आप लोग ना मार्क ज़करबर्ग हो ना बिल गेट्स हो, यार वो कॉलेज ड्रॉप आउट जो है ना, उनका कॉलेज ड्रॉप आउट होना और आपका कॉलेज ड्रॉप आउट होना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनकी एजुकेशन कुछ और है, हमारी एजुकेशन कुछ और है, बट द पॉइंट इज़ कि स्किल वर्सेज एजुकेशन क्या है। स्किल कहाँ से सीखते हो आप, कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखने जा रहे हो, SEO का कोर्स सीखने जा रहे हो, तो वो एजुकेशन के बिहाफ पे ही सीख रहे हो ना, वो एक कोर्स है, वो ट्रेनिंग सेंटर आपको कोर्स सिखा रहा है, तो वो एजुकेट ही कर रहा है ना आपको, तो बेसिकली एजुकेशन के अंदर ही तो स्किल है, तो स्किल तो एजुकेशन का पार्ट है, तो हाउ कैन वी से दैट एजुकेशन वर्सेज स्किल सेट। और एक्सपीरियंस क्या है, आपने एजुकेशन ले ली, ठीक है, आपको स्किल सीख लिया, अब आप जाके इंप्लीमेंट करोगे, 1-2 साल इंप्लीमेंट किया, तजर्बा आया, उस तजर्बे के बाद फिर तुम्हें जाके एक जॉब मिल सकती है, अच्छी सैलरी मिल सकती है, तो बेसिकली ये एक्सपीरियंस और स्किल सेट कहाँ से आ रहा है, ये एजुकेशन से ही तो आ रहा है। नाउ यू डिसाइड, आपको मजदूर बनना है, आपको जमादार बनना है, आपको ड्राइवर बनना है, क्योंकि स्किल तो उनके पास भी है, पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, लेकिन यू हैव टू डिसाइड, आपको ऑफिस में बैठ के आराम से पढ़ाई लिखाई करके इज्जत से पैसा कमाना है, या फिर आपने मजदूर बनना है और आपने ड्राइवर बनना है और आपने मुश्किल तरीके से पैसा कमाना है। नाउ इट्स अप टू यू। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।